सब्जियों के बीज जो है ना हमने प्यारे में डाल दिए हैं। ये जो है ना सारी, ये गाजर है, मेथी है, ये मूली है, ये सलाद का पत्ता है, पालक है, ये जो है ना मुंगरे हैं, हमने घर के ये बीज रखे हुए थे, ये सरसों हैं, ये धनिया है, और कुछ चीज़ें जो है ना अभी रहती हैं और भी वो लाने वाली, इनको जो है ना पानी में भिगो देते हैं। ये इन सब में पानी डालना है, ये शाम तक भीगे रहेंगे तो फिर शाम को लगाते टाइम पे ना इनकी अफसाइश बहुत अच्छी होती है। आज हमारे घर में सब्जियां लग रही हैं सारी। ये मैंने सुबह दिखाए थे आपको बीज हमने भिगोए थे। वालेकुम अस्सलाम। बीज मैं लेके आया था, पालक के थे, मेथी के थे, मूलियों के थे, शलजम के थे और गाजरों के थे, उसके अलावा जो ना सैलड का पत्ता था और मूंगरे थे। ये सारे जो है ना अभी ये मैंने कुछ लगा दिए हैं, और ये जो है ना ये शलजम है, इसको हम ऐसे ही छटा दे देंगे। बहुत पतले पतले से बीज हैं, पूरी क्यारी में छटा दे देंगे। ये जितने उग गए उतने ही हमारे लिए काफ़ी हैं। मानो साथ साथ लगा रही है, ये बाउल के तो पूरे लग भी गए। थोड़े से जाके लगाओ, ये हाथ करो, ये सबसे इधर वाली में बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाओ हरीम, ताकि अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से हूँ। नहीं इसमें नहीं, ये वाली वो जो बड़ी क्यारी है उधर, बड़े वाली क्यारी में। अली हुसैन आप भी अपने मुबारक हाथ लगा दो कहीं हैं, आपने नहीं करने। अली और इजान जो है वो पढ़ के अभी आए हैं, इजान ऊपर नहीं आया, वो जाके जो है ना वो अपना इस टाइम पे टीवी देखना शुरू हो गया। आतफ आए थे यहाँ पे बीज लगाने के लिए, क्योंकि अब मौसम जो है ना हो गया, अब नॉर्मल होना शुरू हो गया। अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है और ये देखें पूरी रोशनी जो है ना वो तकरीबन सूरज वाला टाइम ख़त्म हो गया। हरीम यहाँ पे लगा रही है, ये वाली क्या चीज़ें फेंकी हुई हैं इसके अंदर, ये वाइट कुछ डाला हुआ है, ये भी कुछ है, सारी क्यारियों में लगा रहे हैं वहाँ पे भी। ये किस किस कौन कौन सी सब्जी आपने लगाई है आज? सारी लगा दी, पालक लगा दी इस वाली में, मैंने जो है ना मूलियाँ और शलजम लगाए मिक्स करके, और राया लगाया इसमें, सरसों का साग। इस वाले में मैंने सिर्फ शलजम लगाए हैं और मूलियाँ लगाई साइडों पे, और उधर एक में मेथी लगाई है, एक में दो में पालक लगाई है। नहीं तो आप कह रहे थे कि हम साग दूसरे वाला लगाएंगे, फिर आपने क्यों वो लगाया? वो कड़वा नहीं होता वो? नहीं कुछ नहीं होता, हमने खाया था, हमें कोई कड़वाहट नहीं आई इसकी, हमने फिर वही खा लेना, तो इसलिए ये सारे बीज अभी भी मेरे ख्याल में रह गए हैं, 2-3 लगाने वाले। धनिया अब तो हो जाएगा, अब तो वैसे मार्केट से मिलना भी शुरू हो गया, इससे पहले तो धनिया जो है ना ऐसे नायाब हो गया था, इस दफ़ा आप तक लेके आए हैं। और पौधों को पानी किसने देना है? ध्यान से देना पड़ता है, या कोई बात नहीं खेलने दे। इजान को भी ले आना था, उसे भी कहते बाद में टीवी देख ले, उधर पाइप है, गिर ना जाना आप लोग। तो अभी आज जो है ना इंशाल्लाह लग जाएंगे, और अल्लाह करे इस मौसम की भी सब्ज़ी हो जाए। पिछली दफ़ा माशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरीन सब्जियां जो है वो उग गई थी, क्योंकि आज स्पेशल डिश मैंने बेगम को कह के बनवाई है। स्पेशल डिश क्या है? गोभी, आलू, मटर और उसके साथ कीमा। वो कैसी बनी है, बनाए रेसिपी तो नहीं बता रहे, लेकिन दिखा रहा हूँ आपको कि कैसी, ये हटाना जरा डोई, मज़े की डिश है, ये चेक करें, ये बना के देखें, आपको बहुत मज़ा करेगी। अभी लीमो हमें फ्रेश मिले नहीं थे आज, वरना लीमो की कतलियां इसमें साथ डालते ना क्या ही मजा आना था। नहीं तो बहुत जबरदस्त डाल देंगे ना एंड पे, बहुत जबरदस्त डिश है, और ये जो है ना मजे की, आप लोग बनाए इसको घर पे, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खैर तंदूरी रोटी हो इसके साथ, क्या बात है, घर की ना हो पकी पकाई, बाहर के लेके आए ना फिर बहुत मजा आए, वही लेके आएंगे वही खाएंगे इसके साथ। अभी हमने मंगवाए थे दराज से ये 2 अदर चीजें, ये क्या है कॉर्नर कह लें इसको, कह लें क्या है ही कॉर्नर, ये लगाने के लिए भी हमें पहले तो जगह की समझ नहीं आ रही। अली हुसैन हमें आइडिया दे ज़रा कि अली कहाँ पे इसको लगाएं, क्योंकि ये जितने दिन हो गए ना इनको ला के रखे हुए, और अब मौसम बेहतर होना शुरू हो गया, उससे पहले गर्मी हो गई इनको तो अभी। हाँ मुझे लगता है वाकई में 2-3 महीने तो हो गए हैं। हरीम ने काम करवाना है, हरीम साथ आके खड़ी हो गई है। इजान ने जवाब दे दिया, कहता मैं पढ़ने लगा हूँ, मुझे बार बार आवाज़ ना दें, तो साथ मैं भी आ गई हूँ। 3 और 3-6 लगने हर एक के नीचे ये वाली नहीं। अभी हम ना सोच रहे हैं कि ये जो कॉर्नर है ना हमारे लाउंज में, हम इधर लगा लें, और ये हाँ दोनों साइड से करके लगेगा, कैसे लगना है?
और एक हमारे पास ऑप्शन था कि हम, हाँ जी बेटे, ये हमारा जो कॉर्नर है हम इस पे लगाएं, लेकिन यहाँ पे आतफ नहीं मान रहे। ओहो क्या गिर गया ये, कोई बात नहीं, इसको मैं देख लेती हूँ, छोड़ो छोड़ो आप, कोई बात नहीं, रख लो उधर संभाल के, इसको ही मैं ले लेती हूँ फिर आपसे, ठीक है। ये बटन उधर रखा हो मेरा बेटा जाके, क्यों क्या मसला है इसमें, बड़ा क्रिटिकल है, इनके लेवल बनाना सबसे मुश्किल काम है। ये दोनों साइडों पे ऐसे लगने हैं, लग के ये लटका देने, ऐसे ऐसे लगने हैं ये। अच्छा मैंने तो सोचा था कि ये इतने बड़े होंगे कि इस पे ना वो कुराने पाक वगैरह रखे जाए, मगर मुझे लगता है कुराने पाक नहीं आना इस पे ना, दूसरे वाले पे उधर लगाएं, उधर देख लें, वो जगह बेहतर है मेरे ख्याल में, तो वो ठीक है। आपको वैसे लग रहा है कि यहाँ पे ये इतनी जगह इसने नहीं लेनी कि हम दरवाजे से निकल, तीन है ना, तीन है ना, बहुत नीचे नहीं करने आपने, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल ऊपर गुलदान आ जाएगा। हाँ डेकोरेशन की चीजें लगानी है, एक इधर, एक थोड़ा सा उससे नीचे जो डिस्टेंस पे, और एक ये, ठीक है। ये ना इसका ये एक और है, ये वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये इतने दिन हो गए इसको यहाँ पे पड़े पड़े है कि इस सोफे पे हम लोग उतनी देर नहीं बैठे जितना टाइम ये इस सोफे पे लेटा रहा है, तो अभी इसको भी हमने लगाना है। अभी जी पहला जो हमारा, हमने उसकी सेटिंग शुरू की थी ना, वो वाला कॉर्नर हमारा लग गया, ज़बरदस्त सा बन गया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत वो रेडी हो गया, और ये देखिए चेक करें माशाल्लाह। इस टाइम पे ना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग शाइटिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है उस पर भी हमने एक वाज़ रख लिया है, यहाँ पर ये कैंडल स्टैंड है। पहला जो हमने कॉर्नर है वो वाला लग गया हमारा, दूसरी उसके बाद असेंबली करते हैं पहले वाले की, आपको दिखाएँ ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग गया। और अभी इसके साथ जो है ना कचरा भी बहुत हो गया, ये तीनों कॉर्नर्स इस तरह पूरी इसकी प्रॉपर हमने जो मेजरमेंट लिए कि अपनी तरफ से सही वाला इसको करने की कोशिश की है। सबसे ऊपर वाज रख दिया है, यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड है, और ये एक कैंडल है, और ये काफ़ी टाइम पहले की है, मेरी शादी के टाइम की है, यानी बहुत पुराना ये हमारे पास कैंडल है। और यहाँ पर हो गया अब कचरा, इसकी सफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो इसकी दूसरे वाला हमारा स्टैंड है उसको लगा लेते हैं, उसकी भी अभी जगह सोचनी है कि उसको कहाँ पे लगाएं। ये वाला खैर बड़ा अच्छा हो गया, आपको ऐसे ही डाउट, आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये कॉर्नर, सही लगा कि नहीं। आपको ना वैसे ही था, ये कह रहे थे कि हम जब इधर से निकलेंगे तो ये हमारा फौरन ये हमें इसके कॉर्नर जो है ना वो फील होंगे, लेकिन ये इतना ज्यादा चौड़ाई में नहीं है जितना ये पिक्चर में हमें नजर आया था ना जब हमने ऑर्डर किया था, हमें लग रहा था ये अच्छा खासा जो है वो चौड़ा है, लेकिन ये यहाँ पर इस हिसाब से बड़ा अच्छा इसकी जो सेटिंग हो गई है। और यहाँ पे आपको ये डिम डिम सी लाइट नजर आई होगी, अलीज आने लगवा ली है ये बच्चों की फरमाइश पे हमने ये वाली लाइट जो है लगाई है, लेकिन इसकी जो है ना अब मैं सोच रही हूँ हम इसको उतार दें, इस लाइट की जगह दूसरी वाली लगा दें, ताकि यहाँ पे ये आते जाते जो है ना ये नजर भी आता रहे। तो ये माशाल्लाह जबरदस्त लग गया, दूसरे का अब क्या करना है, कहाँ पे लगाए उसको। मजदूर की, मजदूर ने अपनी मजदूरी कर ली है, डेढ़ दो घंटे लगे हैं मेरे तकरीबन, मिस्त्री की मजदूरों वाला काम किया है सारा, और इसकी मजदूरी जो है ना मुझे जो मिली है वो बेगम की तसल्लियां ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। बेगम सारा काम इसको पकड़ने वाला, साथ इसके, हाँ तो वो तो सारी से चाहिए ना, निशान लगाने वाला कि ये काम पे पेज लगने हैं, क्या करना, उसकी उसकी रीजन काम मैंने किया। अच्छा उसकी रीजन पता क्या है, मैं जब भी कोई चीज लगाता हूँ ना तो उसमें से हजार गलतियां निकालती है, यार नहीं यहाँ से टेढ़ा कर दिया, बल्कि मेरे ससुराल में भी उसका डंडोरा पीटा जाता है कि ये लास्ट टाइम मैंने जो ना एक 3D वॉलपेपर लगाया था दीवारों पे, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो गया वो इतना ज्यादा मेरा मजाक बनाया ना वो हमारे ससुराल में जाके, इसलिए मैंने कहा भाई आज जितने भी निशान लगने हैं सब के सब आप लगाओगी, और वो निशान जैसे भी लगे। अच्छा उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि मैंने ये साथ काम करवाया, उसके बाद वो नीचे जितना कचरा होता है ना आपको पता है, वो तो नहीं दारी की बात, मशीन चलती है इतना कचरा तो वो सारा मैंने जो है किया। अभी इसके कुछ और एक दो पीसेस मैं सोच रही हूँ मंगवाए कुछ और रखने के लिए इस पे ना। हाँ कुछ मंगवाते हैं, ये देखें जी, आप बताइएगा कि अच्छे लगे। ये जो है ना इसका, ये हमने मंगवाया था, ये कैंडल्स हैं काफी सारे, और ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स आ गया इसमें, और ये हमारा कॉफी टेबल है यहाँ पे आ गया। तो मानो आप ही, वालेकुम सलाम, मामा के साथ खड़ी हो जो आप इधर। तो ये जो है ना हमारी एक कॉर्नर, हमारा कॉर्नर नहीं है इसको, क्या कहते हैं ये इसको भाई, शेल्फ ही है ये। अच्छा मेरी बात ने मुझे ये पता क्या कह रही है, जब हाँ। मैं रूम में लेकिन पहले मेरा इरादा था कि हम इसको रूम में कहीं लगा लेना ड्रेसिंग के साथ, लेकिन क्योंकि ड्रेसिंग हमारा जो है वो उसका पेप्सी कलर है, वो कॉलेज जो उसकी
उसके साथ ये वाइट सूट नहीं कर रहा था, कहती मेरा स्टडी टेबल ब्लू कलर का है उसके ऊपर लगा दें ताकि इस पे। अली अजान ने हाथ बांधे कि मम्मा प्लीज यहाँ पे ना लगाइएगा, हरीम ने अपनी हर छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी यहाँ पे लटका के आते जाते हमारे सरों पे गिरेगी, तो आप इसको। और ये दूसरा भी है ना वो भी हमारा फिक्स हो गया, यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, लेकिन ये है जितनी सी लाइट है उसके हिसाब से जो ना आपको दिखा देते हैं। बहुत अच्छा हो गया ये कॉर्नर, सबसे बहुत सूट किए हैं इस जगह पे लगाने के लिए। यहाँ पे खैर अच्छा वो वाला भी लगना था जो हमने उधर लगाया, लेकिन ये कॉर्नर जो है ना मेरे ख्याल में ये ज्यादा प्यारे लगे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई ठुड्डा छुड्डा नहीं लग रहा, कोई बाजू नहीं लग रही आते जाते। मिमी क्या ख्याल है, सही है कि नहीं? ये इतने दिन के इतने महीने हमारा सोफा इसने घेरा हुआ था, ना तब इसको कहीं और जगह पे रखने दे रहे थे, कहते जब हमने इसको दोबारा सैंपल करना है तो ये टेढ़े हो जाते हैं, बेसिकली होती है ना, कहते ये टेढ़ी हो जाती है, फिर पूरी प्रॉपर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं होती, तो इस वजह से ना हम लोगों ने इसको जो है वो उतनी देर में इसको सोफे पे सीधा लिटाई रखा। उस सोफे को हमने नहीं इतना यूज किया जितना इस जो हमारे ये जो शेल्फ है ना इन्होंने यूज किया, तो अभी आज निकाला। और ये भी एक बड़ा काम था जो आज के दिन हो गया, घर माशाल्लाह अच्छा लगना शुरू हो गया, छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी ऐड कर दे तो बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। आप लोग भी बताइएगा अच्छा लगा है कि नहीं। और अभी आते जाते जो है वो मिमी की बटरफ्लाईज नहीं बस यहाँ पे लग सकती, मिमी कह रही थी ये बटरफ्लाईज भी उधर उसके ऊपर लगा दें, जाते हुए किसी का कुछ ना कुछ लगे। हम पहले ना यहाँ आइडिया हमारे जहन में आ रहा था, हम इस साइड उसके साथ भी लगाने का आइडिया आ रहा है, लेकिन पहले ये हमारे बाजू लग रहे हैं, जब हम इधर से आएंगे ना आते जाते तो ये आकर कहते मेहरबानी है, क्योंकि वरना इतना सामान रखा हुआ है घर में, वैसे लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सामान जो है वो तुन तुन के रखा हुआ है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको साइड पे कर दिया। मेरे ख्याल में अच्छा होगा ये हमारा जो ना फुट जो है ना अभी तक वैसे का वैसा पड़ा होगा, ये 40,000 रुपया जो ना हमें बड़ा दुख हो रहा है इसका, ये बेचारा फंस गया कसम से, मुझे इतनी टेंशन है इसकी। वो एक अच्छा खासा काम है जिसके लिए अब जो किचन का करवाना पड़ना है, उसके बाद जाके कहीं ये होट लगना है, उससे पहले नहीं है। हमारे जो फेमस है ना मियां जनू की खुशी की बर्फी आ गई हमारे घर में, और ये आई है मींस के मैंने दूसरी मंगनी करवा लिया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जान छोड़े ऐसे डब्बे से मैं वैसे ठीक हूँ। नहीं ये एक्चुअली जो मेरे मामू है ना उनके उनके यहाँ पोता हुआ है, यानी उनके बेटे का बेटा हुआ है, मैं पुप्पो बन गई हूँ। मेरे मामूजाद जो भाई हैं उनका माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बेटा नवाजा है, तो इसलिए मुमानी ने भेजी है यहाँ पे मिठाई, और मिठाई आई है जो हमारी बर्फी। और आपको मैं एक चेक कर रहा हूँ, ये हमारी बर्फी जब हमें याद आया आपको दिखाने का, ये इस टाइम पे कितनी बची है। बच्चे हमारे बर्फी के बड़े शौकीन हैं, पूरा डब्बा रगड़ा निकाल लेते हैं। इजान कम खाता है, मुझे बहुत पसंद है, आतर भी खा लेते हैं खैर, और हरीम अली तो खैर वो। दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इनका जो ना यहाँ पाकिस्तान में आपको लोगों को आइडिया होगा कि प्री नाइन्थ जो है ना, आप भी आठवीं क्लास में हैं, तो इनकी नेक्स्ट प्री नाइन्थ के लिए जो है ना पेपर अभी चल रहे हैं, तो इनके पेपर जो है ना 2-3 हफ्ते चलेंगे, उसके बाद जो है ना हो सकता है इनको प्री नाइन्थ क्लास में शिफ्ट कर दें, तो उसकी वजह से हमारे जो है ना आजकल कहीं पे भी आना जाना नहीं है, हमारा सारा फोकस आजकल बच्चों पे, इनकी स्टडी पे, इनको चेक एंड बैलेंस इनका रखते हैं, वरना ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हमारे दौर में तो हमें कोई पूछता भी नहीं था कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हम पढ़ेंगे, हमारा खुद अपना हमारे अंदर जो है ना एक जज्बा होता था जिसकी बेस पे हम खुद ही जो है ना एहसास करके पढ़ते थे, लेकिन आजकल के दौर में जो है ना बिल्कुल भी अब करो अब क्यों बिल्कुल भी बच्चे जो है ना ख्याल नहीं करते, और जो है ना इस वक्त बच्चे हमारे जो है ना इनको जितनी देर हम इनके ऊपर बैठे रहेंगे पढ़ते रहेंगे, जो ही हम एक मिनट के लिए कमरे से बाहर जाएंगे तो उनकी खत्म नहीं, उसकी एक वजह है क्योंकि हमारे टाइम पे जो है ना वो करने के लिए कुछ और नहीं होता था, ये सारे मोबाइल टीवी जरूर हमारे दौर में भी रहा है, केबल भी लगी रही है, लेकिन हमारा ना एक टाइम होता था फिक्स, अम्मी ने किया होता था कि आधा घंटा हर बंदे ने कंप्यूटर देखना है या टीवी देखना, उसके बाद उसका अगर नहीं आपने उसको शट डाउन किया ना तो उन्होंने पीछे से बटन बंद कर देना होता था, बड़े दुख की बात होती जो बाकी जो ना हमारी अभी तीन कंट्रीज हमने फाइनल सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि सब लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि इन थाई सोच समझ के कोई भी इकदाम उठाना, तो हम जो है ना जिसको कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, तो इसी मुहावरे के जो उसूली जो एक्चुअल इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम एजेंट्स को पैसा दें और वो एजेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन दें या कुछ हमारे साथ करें, लेकिन हम जो है ना खुद ही फाइनल रिसर्च करते हैं, वहाँ के नेटिव लोगों से बात करते हैं, फिर उसके बाद जो लायर्स हैं प्रोफेशनल कंपनीज के उनसे मैं वीडियो कॉल के थ्रू उनके साथ गपशप लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो कॉल के थ्रू जो ना एजेंट से बात की है, अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ वो वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगा जिस जिस कंट्रीज़ के लायर्स के साथ मैंने मीटिंग्स की हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस की हैं, टेली कॉन्फ्रेंस के साथ उनके साथ डिस्कशंस की हैं, तो अभी तीन कंट्रीज जो है ना वो हमने सेलेक्ट किए हैं, वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कौन से कंट्रीज हैं, वो जब हमारा प्रोसेस जिस भी कंट्री में हो गया ना, तो हमारा पहले मेन फोकस हमारा इंडोनेशिया का भी हमने उसको सेंकंड नंबर पे रखा हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया एक अच्छा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, उसका भी इशू नहीं है, जिस वक्त चाहें जब चाहें हम इंडोनेशिया में जब मूव हो सकते हैं, हमारे बहुत प्यारे
लोग जो है ना हमें मिल चुके हैं वहाँ से, जो इंडोनेशिया का वीज़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा फोकस वहाँ पे है जहाँ पे हमें जो है ना इंडोनेशिया से भी जल्दी जो है ना नेशनलिटी पीआर मिले, क्योंकि हमारी एज उस लेवल पे चली गई है कि हम लोग ज़्यादा जितना वेट करेंगे उतना ही लेट होगा, और हमारे बच्चे जिन क्लासेस में हैं वो हम चाह रहे हैं कि वो क्लासेस वो कहीं ऐसी जगह पे जाके पढ़ें जहाँ पे जो है ना उनको फ़ायदा हो। तो अभी उसका जो है ना इंशाल्लाह हो सकता है अगले 1 से 2 महीने के अंदर जो है ना हमारा फाइनल कंक्लूड हो जाए, हम जहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाएंगे आप लोगों के साथ फुल डिटेल उसकी शेयर करेंगे, हर चीज़ डिस्कस होगी, आपको बताई जाएगी जो लोग इस्तेफादा करना चाहेंगे क्या, यानी कि सबसे आसान तरीका कौन सा प्रोसेस आपने जो ना इस्तेमाल करना, कैसे जाना है आपने। मेरी वीडियो का मेरे चैनल का ये मेन जो उसको कहते हैं ना कि खुलासा भी यही है कि मैं जो चीज़ मुझे प्रैक्टिकल 100% मैं खुद उसमें से एक दफ़ा गुजर के जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ उसकी जो ना डिटेल शेयर करता हूँ। तो मैंने इंडोनेशिया जाना होता तो अभी तक चला जाता, मेरे पास इतने लगा शुक्र है कि प्यार करने वाले भाई हैं वहाँ पे इंडोनेशिया में, जो कि मुझे 2 से 3 दिन में वीज़ा और सब कुछ मिल जाना था। तो अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया में हम लोग हमारा अभी नहीं जा रहे, हम लोग जो 2-3 कंट्रीज़ हमने सेलेक्ट की हैं फाइनल, वो इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो जो ना बेहतर कंट्रीज साबित हों। तो करते हैं हमें जो ना इस वक्त टाइम हो गया है जनाब जी ऑलमोस्ट 4:30 हो गए, दोपहर का खाना हमने नहीं खाया, काम 2 घंटे हमारे लग गए, उसी चक्कर में बच्चों ने लंच कर लिया था। तो आज मेरी फेवरेट जो है ना सब्जी आलू मटर कीमा और जो है ना गोभी वो बनी हुई है, बहुत मजे की है। तो मैं भी जाता हूँ जाके जो है ना अभी नान या रोटी लेके आते हैं, क्योंकि घर वाली रोटी के साथ नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि तंदूरी रोटी के साथ उसको खाया जाए। तंदूर हमारा खुद का है लेकिन हम लगाने को दिल नहीं कर रहा, बहुत गर्मी है। तो यही आज की वीडियो थी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने खानदान के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।